शेयर करेंगे सुपर टेस्टी रोल की रेसिपी। तो इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है, ये है मैदा। यहाँ पे हमने 500 ग्राम मैदा ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे हाफ चम्मच जितना नमक और डालेंगे इसमें 1 से 2 चम्मच हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने मिला लिया है, हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हम जो है इस मैदे का डो लगा लेंगे। बहुत सॉफ्ट डो ना लगाएं, रोटी बनाते हैं आटा उससे हल्का सा सख्त रहेगा ये डो। वैसे अब हम देखिए लगा लिए हैं, इसे अब हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तो अब हम रोल के लिए बना लेंगे स्टफिंग। तो यहाँ पर ले लिया हमने तेल, इस पर हम डाल देंगे स्लाइस में कटा हुआ प्याज। तो प्याज को चलाते हुए हम हल्का ब्राउन करेंगे। तो प्याज को हम फ्राई होने देते हैं, तब तक जो है हम अपना चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया है बोनलेस चिकन। तो चिकन को हम मैरिनेट करेंगे, डाल देंगे हम इसमें हल्दी पाउडर हाफ चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च का पाउडर हाफ चम्मच, जीरा पाउडर हाफ चम्मच और यह है गरम मसाला 1 चम्मच हमने दिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। और अब हम इसमें डाल देंगे 3-4 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। अब सारे चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स अच्छे से हमने मिला लिया है, इसको रख देंगे अभी साइड में। और इधर प्याज भी हमारा लगभग फ्राई हो चुका है और हमने बीच में चला भी दिया था, ये देखिए थोड़ा सा और फ्राई होगा। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च कटा हुआ, प्याज के साथ हरी मिर्च को भी थोड़ी देर भून लेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो प्याज हमारे भून गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। बहुत ज़्यादा प्याज को लाल नहीं करना है, मीडियम फ्राई करना था। तो चिकन डाल के इसको थोड़ी देर और फ्राई करेंगे चलाते हुए। वैसे बहुत ही सिंपल टेस्टी रेसिपी है। तो ये थोड़ी देर हमने चला लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा पानी डालें और इसे मिलाएं। मिला करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढक करके पकाएं। तो 3-4 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, इसमें हमने चला भी दिया था। तो चिकन हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, देखिए। तो चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा मैदा हम ले लेंगे, एक रोटी के साइज का आटे का लोई लेते हैं, उससे थोड़ा बड़ा साइज का लोई हम काट करके ले लेंगे इसमें से। ये हमने ले लिया है, अब हम इसमें लगा लिए हैं थोड़ा सा ऑयल। अब हम इसे थोड़ा बड़ा साइज करके बेल लेंगे, हम जितना रोटी बेलते हैं इससे थोड़ा सा बड़े साइज के आकार में हम इसे बेलेंगे। तो ये हमने बेल लिया है, ये देखिए कितना पतला है, पतला करके ही बेलना है इसे। और यहाँ पे हमारा तवा जो है गरम हो गया है, अब हम इसे तवे में डाल देंगे। तो पलट देते हैं, जब तक ये रोटी हमारा बनता है तब तक हम इधर एक बॉल ले लिए हैं, इसमें ले लेंगे एक अंडा, डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये तैयार है और इधर रोटी भी हमारा जो है पक रहा है, डाल दिए हैं इसमें रिफाइंड ऑयल, पलट करके इसे पका लेंगे।
ये एक साइड से अच्छे से पक गया है इस तरह से देखिए। अब हम इस साइड में जो है फेटा हुआ अंडा रखे हैं, इसको इस तरह से डाल देंगे। डाल करके धीरे से रोटी को पकड़ कर इस तरह से पलट देंगे और इसे धीमी आंच पर थोड़ा प्रेस करते हुए इसे पकाएंगे। देखिए कितने अच्छे से ये हो गया है। चलिए ये हो गया है, इसे ले लेते हैं हम एक थाली में। अब हम इसे गार्निशिंग करते हैं, डाल देंगे इसमें जो चिकन के पीसेस हमने बनाए थे, चिकन डाल देंगे और डालेंगे इसमें कटे हुए प्याज। आप चाहे तो इसमें खीरा भी डाल सकते हैं, इस समय हमारे पास नहीं था। डाल देंगे टमाटो सॉस, और डालेंगे हम इसमें चिली सॉस। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, अपने घर में आप ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा, कभी ट्राई नहीं किए हैं तो। और डाले हमने इसमें हरी मिर्च। अब हम इसे रोल कर लेंगे। रेसिपी हमारा बिल्कुल रेडी है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब हम इसमें जो है इस तरह से कागज़ में लपेट लेंगे इस तरह से, और बहुत आसानी से हो भी जाता है। ये देखिए हमने बंद कर लिया है, इस तरह से बंद कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।